लजीज पाया बनाने की रेसिपी, चलिए देखते हैं पाया कैसे बनता है। अस्सलामुअलैकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं पाए। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं कि पाए हम कैसे बनाते हैं। हमने चार पाए ले लिए हैं और इसको हम कुकर में ऐड करते हैं। इसको अच्छे से धुल के साफ कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इसको साफ कर लीजिए। इसमें हम ऐड करेंगे पानी। देखिए इसको, इसमें जो है करीब 1.5 गिलास हमने पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें अपने इन मसालों को ऐड करते हैं। ये हमने एक छोटा प्याज ले लिया, इस तरीके से काट लिया है। सौंफ ले लिया है, ये दालचीनी का टुकड़ा है, ये 30 पत्ते हैं, और ये लौंग इलायची है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, हल्दी पाउडर है, नमक है। इसको हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। इसमें हम ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको जो है हम कवर कर देंगे अच्छे से। देखिए इस तरीके से, आप भी बंद कर दीजिए अच्छे से। और इसको हमें आधी घंटा पकाना है। एक फ्लेम आने दीजिए, हाई फ्लेम पे। उसके बाद इसको कम कर दीजिए, ठीक है। एक सीटी आने के बाद गैस को कम कर दीजिए। आधी घंटे के लिए हमें इसे पकाना है। तो चलिए देखते हैं हमारे ये मसाले हैं। इधर ये अदरक लहसुन का 2 चम्मच। तो ये हमारे मसाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हल्दी पाउडर 1 चम्मच है, ये आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, ये धनिया पाउडर 2 चम्मच है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, ये गरम मसाला है, ये जीरा पाउडर है, ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये हमने 1 लार्ज साइज़ का प्याज ले लिया है, इसका हमने पेस्ट बना लिया है। तो हमें इन मसालों का हमें घोल बना लेना है। देखिए इस तरीके से हमें एक घोल बना लेना है। घोल बनाने से हमारे मसाले अच्छे से फूल जाते हैं और कुकर में डालने से हमारे मसाले जलते नहीं हैं। ये देखते हैं हमारे पाए गले हैं कि नहीं। तो देखिए हमारे पाए बहुत अच्छे से गल गए हैं। इसको करीब हमने 35 मिनट तक इसको हमने पकाया है। देखिए अब हम जो है इसको निकाल ले रहे हैं। इसके मसाले जो है नहीं निकालना है, सिर्फ हमें अपने पाए को निकालना है, ठीक है। इस तरीके से बाद में जो हमारी अखनी है उसको हमें छान लेना है। इस तरीके से आप निकाल लीजिए। देखिए इस तरीके से हमने सारे पाए अपने निकाल लिए हैं और हमने कुकर चढ़ा दिया। कुकर में हमने तेल ऐड कर दिया है, सरसों का तेल है ये, हमने तेल इसमें डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो जाए उसमें हम प्याज डालते हैं, प्याज का पेस्ट। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। हमने एक प्याज जो है उसको कट करके पेस्ट बना लिया था, आप इसमें शामिल कर दीजिए तेल में। 3 से 4 मिनट तक हमें इन प्याजों को भून लेना है अच्छे से, इसमें पानी ना रह जाए। आप इसका जब पेस्ट बनाइएगा तो इसमें ज़्यादा पानी ना ऐड करिए, वरना ये जल्दी से भुनेगा नहीं, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए हमारा प्याज का जो पेस्ट था अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छे से इसमें तेल सब ऊपर आ गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं ये हमारे जो मसाले थे, हमने इसको बॉल में घोल बना के रखा था, इसमें ऐड कर दे रहे हैं। देखिए इसको हम अच्छे से चलाते हैं। इसको भी हमें 4-5 मिनट तक भून लेना है अच्छे से। इसमें हम नमक ऐड कर दे रहे हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप कम ज़्यादा जैसा खाते हैं आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। देखिए हमारा मसाला जो है अच्छे से भून गया है। इसको हमने 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। तेल देखिए ऊपर आ गया है। इसमें हम दही ऐड कर दे रहे हैं, ये 1 कप के करीब दही होगा, आप इसको ऐड कर दीजिए। इसे भी हमें अच्छे से भूनना है, जब तक तेल ऊपर ना आ जाए अच्छे से इसको भूनिए 5 मिनट तक। देखिए हमारा मसाला जो है अच्छे से भून गया है, तेल ऊपर आ गया है। देखिए इस तरीके से आप भी भूनिए। देखिए इस तरीके से आप भून लीजिए। देखिए और ये हमारे जो पाए थे इसको इसमें हमें डाल देना है। हमें इसको भी भूनना है 7 से 8 मिनट तक। इसको हमें भून लेना है अच्छे से, ताकि इसमें जो स्मेल आती है उसको ना आए अच्छे से। देखिए इस तरीके से हमें जो है, जो हमारा अखनी का पानी था उसको हम इसमें डाल डाल के थोड़ा थोड़ा अच्छे से भूनते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पाए जो है अच्छे से भून गया। इसको हमने 8 मिनट के लिए भून लिया है, बीच बीच में पानी अखनी वाला पानी डाल के इसको हमने भूना है। देखिए इस तरीके से अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं पानी। देखिए इसमें हमने 3 गिलास के करीब हमने इसमें पानी ऐड किया है। देखिए इस तरीके से हमारा ग्रेवी हो गया है। आप कम ज़्यादा
कर सकते हैं। इसका सालन जो है पतला ही अच्छा लगता है। देखिए इस तरीके से इसको जो है हम कम से कम 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। देखिए इसमें एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं, एक चम्मच हमने मैदा लिया था उसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लिया है, हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। इससे हमारी ग्रेवी जो है हल्के से थिक रहेगी, अच्छा लगेगा देखने में। वैसे तो पाए का सालन पतला ही अच्छा लगता है, लेकिन आपका दिल करे तो आप भी डाल दीजिए, बहुत अच्छा बनके तैयार होगा आपका ये सालन। इसे हमें पका लेना है और 5 मिनट के बाद हमने इसको डाल दिया है, आप भी डाल दीजिए। इसको हमें पका लेना है 10 मिनट के लिए। देखिए 15 मिनट हो गया है इसको पकते हुए। अब हम गैस को बंद करते हैं। इसमें हम शामिल कर देंगे हरा धनिया। देखिए इस तरीके से हरा धनिया हमें शामिल कर देना है और कटी हुई हरी मिर्च में ऐड कर देना है इसमें। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से बनके तैयार हुआ है। कितना टेस्टी ये बना है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, इसी तरीके से फॉलो करिए।